हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की नई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती 474 पदों की वैकेंसीज के बारे में। तो लगभग अब आपकी वैकेंसीज जो हैं कंफर्म हो चुकी हैं, कितनी पदों पर आनी हैं, और इसका मैं एक ऑफिशियल अपडेट आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। और क्या अपडेट है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया होगा, लगभग जो है फरवरी मार्च में अध्याचन आने शुरू हो चुके थे, जब इलेक्शन के बाद से, ठीक है, अप्रैल, लगभग जो है अप्रैल से, ठीक है। और उसके बाद से मैंने बताया था कि आपको जो है इसके अध्याचन मिल चुके हैं यूपीपीएससी के पास से, कितने कितने पद हैं अप्रोक्सीमेट मैंने बताया था, लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं था उस टाइम पे। और कई लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो है क्या सही है नहीं है, तो फाइनली इसका ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। और ये जो भर्तियाँ हैं बिल्कुल सही बता रहा था मैं आपको, जो पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा, कई लोग जो है फेक समझ रहे थे। तो ये अध्याचन जा चुके हैं, तो अध्याचन जा चुके हैं तो भर्तियाँ क्यों नहीं आ रही हैं, कब तक आएंगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया है अध्याचन। जब मैंने आपको बताया था जून मंथ में एक वीडियो डाली होगी, मैंने कहा था आपको कि अध्याचन इसके चले गए हैं और आपकी भर्ती आ जाएगी अक्टूबर माह तक, ऐसा मैंने बताया था। कुछ पद वृद्धि होनी थी उसको रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज की अपडेट पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा यहाँ से, तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ इसमें, क्या है, कब तक आएगी, किसका ऑफिशियल अपडेट क्या है, और जो यहाँ पर लेटर लिखा गया है इसमें सचिव जो विभाग के द्वारा, उसमें कितने कितने पदों का वर्णन है, महिलाओं का कितने पद हैं और पुरुषों का कितने पद हैं, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। इसका ऑफिशियल अपडेट हमारे पास आज आ चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो लेटर है प्रेक्षक जो कि निर्देशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड द्वारा भेजा गया था, इसमें आपके एलटी शिक्षकों का भी अध्याचन बना हुआ था, ठीक है। कई लोगों ने मुझे उस टाइम सपोर्ट नहीं किया, मैंने कहा था कि एलटी आएगी आएगी कहा था, और एलटी की फाइलें रुक गई, अप्रवक्ता की आगे बढ़ गई, और एक बिष्ट जी थे उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया था जो मेरे ग्रुप के थे, और वहाँ पर उन्होंने भी प्रयास किया था, और लेकिन फाइनली एलटी की वहाँ पर जो है जो फाइलें थी वो आगे नहीं बढ़ पाई थी, और इसी वजह से एलटी के अध्याचन यूकेपीएससी के बाद उस टाइम पे नहीं गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं, हमें 7 मई 2022 को गया हुआ है। आज किसी अभ्यर्थी ने, आप जो एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था दिन में, और आरटीएस से, उनका कहना है कि आरटीएस से हमने एक नोटिस मांगा था तो आयोग ने भेजा है, क्या ये सही है, नहीं है? बिल्कुल ये सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑफिशियली है, 7 मई को ये भेजा गया था। और जून मंथ में मैंने आपको बताया था विभाग से पता करने के बाद कि आपके अध्याचन आ चुके हैं यूकेपीएससी के पास और आप तैयारी कर लीजिए, ऐसा मैंने आपको कहा था। लगभग मैंने कहा था कि अक्टूबर माह तक आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी अक्टूबर माह में अब आपको शायद से ना देखने पड़े, पता करना पड़ेगा अक्टूबर में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अभी माहौल देख लीजिए, यूकेपीएससी की भर्तियाँ चली गई हैं अभी, तो हो सकता है कि दिक्कत हो बाद में आए, अब क्योंकि अभी यूके ट्रिपल सी की आनी है, यूके ट्रिपल सी की जो भर्तियां थी वो उनका अक्टूबर में आना है, तो ऐसे में प्रवक्ता की भर्ती आएगी नहीं आएगी अभी संशय बना हुआ है, क्या पता ना आए, ठीक है। तो लेकिन प्रवक्ताओं की भर्ती पहुंच चुकी है आपके पास, जो कि आप लोग देखते हैं, सचिव ने यहाँ पर देखते हैं, डेट आप चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियली है ये, आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर जो है बताया गया है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग में जो है सामान्य और महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पद पर जो है चयन हेतु अध्याचन प्रक्षेपित के संबंध में, तो अध्याचन ऑलरेडी प्रक्षेपित हो चुका था 7 मई को, ठीक है। मैंने आपको जून में बताया था, लगभग मिड के जून में होगा, 10-15 या ऐसे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कितने कितने पद हैं, इसमें लिखा गया कि उपयुक्त विषय जो है अवगत कराना है कि प्रवक्ता संवर्ग में जो है सीधी भर्ती के लगभग जो है कुल 1045 पद आपके इसमें रिक्त बताया जा रहा है, ठीक है, जिसमें से 974 पद सामान्य के हैं, 71 पोस्ट आपके महिला शाखा के रिक्त हैं, जिनमें जो है चयन वर्ष 2018-19 के सापेक्ष, मतलब कि आपकी जो भर्ती निकाली गई थी आपकी 2020 में 571 है यहाँ पे, ठीक है, 18-19 पता नहीं किस हिसाब से लिखा है इन्होंने, लेकिन भर्ती आपकी 2020 में निकाली गई थी, आपको पता है 571 पोस्ट में, जिनमें आपके यहाँ पर 544 पोस्ट सामान्य की थी, 27 पोस्ट आपकी महिला के रिक्त पद थे, ठीक है। और रिक्त पदों पर जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हरिद्वार में जो है चयन की कार्रवाई यहाँ पर गतिमान है, उस टाइम की यहाँ पर गतिमान थी उस टाइम पे, अब तक तो सबकी नियुक्ति हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और चयन वर्ष 2021-22 के सापेक्ष जो है 474 पद जो है सामान्य में 430 और महिला शाखा में 44 पद दिखते हैं, तो यहाँ पर 21-22 का इन्होंने आंकड़ा लगा रखा है अपने विभागीय होगा इनके ख्याल से, और भर्तियाँ आपके यहाँ पर 22 में आनी थी, ये विभाग का अपना ईयर चलता होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर 474 पद इसमें रिक्त बताए जा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर कहा गया कि माननीय मंत्री जी जो कि विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पर 13/4/2022 को विभागीय समीक्षा बैठक में यहाँ पर निर्देश किए गए थे, और प्रत्येक स्तर पर जो है अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित प्रकरण
को जो है हम निर्धारित समय अंतर्गत जो है पूर्ण किया जाए। तो शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करे थे, तो शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करे थे, तो एलटी का भी जो आदेश जारी किया था वो तो कहीं है ही नहीं। तो ये फाइनल लंबित होगी ही आपकी, ठीक है। एलटी का क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में कभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और क्या आगे आएंगे नहीं आएंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में पता करने के बाद। और अभी जो अपडेट हम आपको वही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अतः जो उक्त क्रम में यहाँ पर चयन वर्ष 2021-22 की रिक्ति के सापेक्ष यहाँ पर जो है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता में सामान्य शाखा कई 430, महिला शाखा में 44, कुल 474 रिक्त पदों पर जो है सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु अध्याचन प्रक्षेपित प्रपत्र एक में जो है पूर्ण विवरण सहित जो है यहाँ पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके अध्याचन 7 तारीख को चले गया था, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका आपका। और जब मैंने जून में वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि ये चले गए हैं, फिर उसके बाद जून की लास्ट लास्ट वीक में बनाया था कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पद वृद्धि यहाँ पे हो सकता है, चेंजेस करने की बात कही गई है, और अब शायद पद वृद्धि ना हो आपके, ठीक है, क्योंकि अभी जो पद वृद्धि होनी थी इन पदों पर जो रिटायरमेंट या कुछ हो चुके थे तो या किसी का प्रमोशन हुआ था तो उस पर जो है अब नहीं हो पाएंगे आपके यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, और जितने पद आपके हैं उतनी पदों पर आपके आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपकी 474 लिखा है तो घट बढ़ के ऊपर नीचे हो जाएगा ये, क्योंकि अध्यादेश इतना भेजा है, बाद में वो जब कैलकुलेशन होती है को कुछ पद घट जाते हैं कुछ पद बढ़ जाते हैं, जब रोस्टर लगता है उस टाइम पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाद में कहोगे आपने 474 बता रखे थे, चेंज हो जाता है ये, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ये अध्याचन प्राप्त हो चुका है, आप लोग ऑफिशियली देख सकते हैं, ये ऑफिस के साइन भी है 7/5/2022 का लिखे हुए, आप देख सकते हैं अपर निर्देशक से भेजा गया है। एलटी का भी भेजा जाना था, एलटी में कई लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो इस वजह से वो रुक गया, क्यों रुका मैं उसका रीज़न अभी बताना नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है, बाद में कभी बताऊँगा मैं उसका, और आगे आएगा नहीं आएगा उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि कई लोग कमेंट करते रहते हैं एलटी प्रवक्ता बार बार वीडियो बनाता है। भाई जो चीज़ अपडेट होती है मेरा काम है अपडेट देना, अब जो चीज़ होगा वही तो बनाऊंगा। पिछले 2 महीने से मैं एलटी का नहीं बना रखा था, आप कोई अपडेट नहीं थे बीच में, अभी कल या परसों मैंने बनाया था उसमें, क्योंकि 12,000 पदों की भर्ती करने की बात कही है और शिक्षा मंत्री ने भी आदेश जारी करे थे लगभग भर्तियों का, ठीक है। आदेश ऑलरेडी पहले भी हो चुके थे, आदेश के अनुसार ही यहाँ पर प्रवक्ता की भर्ती आ रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है। अब कितना अमल होता है उन आदेशों पर, शिक्षा विभाग कितना करता है वो डिपेंड करता है विभाग पर, या शिक्षा मंत्री कितना सख्त आदेश जारी करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिन लोगों को ये लगता है कि बार बार उसी टाइप की वीडियो बना रहा है, ठीक है, बाकी मैं अपडेट देता हूँ विभागी, चाहे ऑफिशियली हो अनऑफिशियली हो, जो भी अपडेट होती है मैं आपको दे देता हूँ, चाहे वो न्यूज़पेपर के द्वारा क्यों ना हो, ठीक है। तो जिनको पता है वो तो जानते हैं, कई लोग कमेंट करते रहते हैं, एक आध लोग हैं, ठीक है, तो इसी वजह से मैं उनको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि भर्तियों का जो है कब तक आएगा वो तो यूकेपीएससी के हाथ में है, कब उसका नोटिस निकालना है, रोस्टर जारी करना है। 30% जो महिलाओं को आरक्षण मिलता था अब उसमें भी चेंज होना है, वो आपको महिलाओं को 30% आरक्षण अब यहाँ पर नहीं मिलेगा रोस्टर में, ये चेंज होना है, ठीक है। बाकी भर्तियों का जो पदवृद्धि होना था वो मुश्किल है, और जिनको यहाँ पर तैयारी करनी है वो तैयारी में लग जाइए, इतने पद आपके आने फिक्स्ड हो चुके हैं, ठीक, क्योंकि एक बार अध्याचन मिल जाए तो भर्ती आपके आनी आनी चाहिए, वो 1 महीना 2 महीने क्यों ना लेट हो लेकिन आएंगी जरूर उन पदों पर, ठीक है। ये ऑफिशियली मैंने दिखा दिया, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं था मेरे पास, आप लोगों ने भी देखा होगा, सिर्फ मैं बताता था आपको कि इतने इतने आ चुका है, ऐसा ऐसा हो चुका है, लेकिन ये ऑफिशियली है, आप अच्छे से देख सकते हैं, पूरा ऑफिशियल है, कोई एडिटेड नहीं है, ये किसी ने जो आरटी से मंगाई थी और आज मुझे भेजा था, तो मैं इसी वजह से आपको वीडियो बना रहा हूँ। जिन्होंने भी भेजा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑफिशियल नहीं था और विभाग से निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है वैसे भी, और आरटीआई में जल्दी निकल जाता है, तो इन्होंने पहले भेजा होगा, आरटीआई लगाया होगा 1 महीने में, तो आ गया यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पर देख लें, आप लोग तैयारी कर लीजिए, जिनको भी प्रवक्ता भर्ती हैं, लेकिन काम है इस बार लेकिन ठीक ठाक है, पिछली बार 500 के करीबन था, लगभग 100 पदों का अंतर हो रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है, लेकिन पद हैं अभी। और हाँ, एक और बड़ी बात आपको बता दूँ कि यहाँ पर किस विषय में कितने पद हैं उसकी लिस्ट भी मेरे पास है, अगर किसी को बताना हो, कई लोग भैया बाद में करने लगेंगे ये गलत बता रहे हो, क्योंकि उसमें ना मेरे ख्याल से उसमें जो मेरे पास सामान्य क्या रखी है शायद से उसमें 431 पद लिखे गए हैं उसमें, ठीक है, तो जो नंबर है मैंने कहा ना नंबर चेंज हो जाता है कभी कभी, तो जो विषयवार लिस्ट बनी है मेरे ख्याल से 431 का बना है, वो अगर देखना हो YouTube में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, वो भी पड़ा है मेरे पास, वो बहुत पहले से पड़ा है, लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया मैंने, ठीक है, क्योंकि और बता दूंगा मैं बाद में अगर वीडियो बनाऊंगा तो, अगर सोचूंगा तो, अगर ठीक है, बाकी आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी यहाँ पर जो है जानने की इच्छा हो, और कोई भी और
इच्छा है जानने की तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल एलटी के विषय में हम बाद में बात करेंगे, क्या हो क्या नहीं है और आएंगी नहीं आएंगी, और इसमें प्रवक्ता के बारे में ही बात कर रहे हैं हम।